जी वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हमारी जो CSS की सीरीज़ है वो जारी है, और आज हम बात करने जा रहे हैं CSS लिंक्स के बारे में कि हमारे पास जो लिंक होते हैं उन्हें किस तरह से हम डेकोरेट कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास जो लिंक की स्टेट होती हैं वो फोर होती हैं। नंबर वन पे हमारे पास यहाँ पर देखे होता है एक लिंक, जो कि एक लिंक की नॉर्मल स्टेट होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विजिटेड, मतलब यूज़र आया, उसने लिंक पे क्लिक किया तो अब हमारा जो लिंक है वो विजिट हो चुका है, तो वो उसकी होती है विजिटेड स्टेट। उसके बाद हमारे पास होता है होवर, जैसे ही यूज़र अपना कर्सर उस लिंक पर लेकर आता है तो उसमें एक इफेक्ट आता है, एक चेंज आता है, जिसे हम होवर कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास होता है एक्टिव, मतलब यूज़र जब क्लिक करता है किसी भी लिंक के ऊपर तो क्लिक करते वक्त जो उसकी स्टेट होती है वो उसकी होती है एक्टिव स्टेट। तो इन चारों को प्रैक्टिकल करने के बाद आपको इनके बारे में पूरी नॉलेज हासिल हो चुकी होगी। तो आइए इन्हें शुरू करते हैं। जी, तो हम आ चुके हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूंगा एक्सक्लेमेशन मार्क और करूंगा एंटर, तो हमारा कोड जो है वो जनरेट हो चुका है। इसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं अपनी HTML के अंदर। अब इसे हम कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपनी लिंक्स के बारे में, तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग बना देता हूँ और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ लिंक्स इन CSS। उसके बाद हम एक लिंक बनाते हैं, जो कि हम बनाते हैं एंकर टैग को यूज़ करते हुए। अब HRF के अंदर हम क्या करते हैं, हम HRF में अपनी किसी भी वेब पेज का लिंक इसमें रख रहे होते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मेरे पास कोई लिंक नहीं है तो मैं हैश यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखना है कोई टेक्स्ट जो कि हमें अपने लिंक की जगह नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर मैं सिंपल लिंक लिख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ और पहले देखते हैं कि नॉर्मल में किस तरह नज़र आ रहा है। अभी तक हमने CSS अप्लाई नहीं किया। मैं इसे जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास लिंक आ चुका है। अब अगर आप इसे गौर से देखें तो हमारे पास इसके नीचे एक लाइन है। हम चाहें तो इस लाइन को भी हटा सकते हैं, हम चाहें तो इस लाइन को रहने भी दे सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से हम CSS अप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी CSS के बारे में। मैं जाऊँगा अपने हेड के टैग के अंदर और स्टाइल टैग यूज़ करके इसको सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे ए लिंक के बारे में, जो कि हमारी पहली स्टेट थी। तो मैं ए, जो कि हमारा एंकर टैग है, और साथ में मैंने कॉलन को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं पहली स्टेट को क्लिक करता हूँ जो कि है लिंक। अब इसके अंदर मैं स्टाइल देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ना इसको स्टाइल देता हूँ, मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ इसके नीचे जो लाइन आ रही थी ना वो लाइन खत्म हो जाए। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो लाइन आ रही थी ना मेरे लिंक के नीचे, मैं उस लाइन को अगर हटाना चाहता हूँ तो सिंपल मैं चेक करूँगा अपना टेक्स्ट डेकोरेशन और इसमें जाके मैं इसे कर दूंगा नन। इससे क्या होगा, हमारे लिंक के नीचे जो लाइन आ रही है वो खत्म हो जाएगी। आप चाहे तो उसे रहने भी दे सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह से इसे डिजाइन करते हैं। मैं इसे सेव करके मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से ये काम करता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो लाइन आ रही थी ना वो खत्म हो चुकी है, हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। अब मैं चाहूँ तो मैं ना इसे एक बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर जाके ना मैं एक इसे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और मैं कहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर जो होना वो एक्वा हो जाए। आप कोई भी दे सकते हैं। मैं इसे सेव करके अपने ब्राउजर में जाता हूँ और जैसे ही इसे रिफ्रेश करता हूँ ना, तो यहाँ पर देखिए इसका एक बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है। तो इस तरह से हम इसे सेट कर रहे होते हैं। अब ये लिंक स्टेट है, जो कि एक लिंक की नॉर्मल स्टेट होती है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और स्टेट बनाऊँ जिसकी वो हो विजिटेड, मतलब यूजर आया, उसने इस पर क्लिक किया, उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। वो कैसे हम करेंगे, सिंपल हम जाएंगे अपने स्टाइल के टैग में और यहाँ पर इस बार मैं सिलेक्ट करूंगा अपना विजिटेड को, कि विजिट होने के बाद हमारा लिंक कैसे नजर आएगा। अब इसमें सबसे पहले मैं हमारा जो टेक्स्ट डेकोरेशन है मैं उसे नन कर दूंगा, जैसा कि मैंने पहले में किया था। तो मैं इसे कर देता हूँ नन ताकि वो लाइन ना आए। उसके बाद मैं इसे एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर में इस बार मैं इसे दे देता हूँ ब्राउन। ये है हमारा ब्राउन, मैं इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं इसे रिफ्रेश जैसे ही करता हूँ ना, इसका कलर चेंज हो चुका है। वैसे होता क्या है कि हम जैसे ही क्लिक करते हैं ना, उसके बाद इसकी स्टेज जो स्टेट होती है वो विजिटेड होती है, और बाद में इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होता है। क्योंकि इस लिंक को पहले ही मैं क्लिक कर चुका हूँ तो ये विजिटेड है और इसका बैकग्राउंड कलर वही आ रहा है जो कि मैंने विजिटेड की प्रॉपर्टी में लिखा है। तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे ही वो ये विजिट होगा इसका बैकग्राउंड कलर यही हो जाएगा। चले हम तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, विच इज़ होवर। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा अपनी होवर की प्रॉपर्टी और होवर के अंदर मैं कुछ इसे स्टाइल दूंगा कि जैसे ही यूजर कर्सर लेकर आए तब क्या चेंज होगा। तो मैं इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और इसे मैं दे देता हूँ टोमेटो, या फिर हम इसे येलो देते हैं। कलर आप कोई भी दे सकते हैं, मकसद आपको समझाना है। मैं इसे सेव करता हूँ। अब देखिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए मेरे एरो पे आपने फोकस करना है। जैसे मैं एरो लेकर गया और उसने हवर किया तो देखिए उसका जो कलर है वो चेंज हो गया।
अब मैं चाहूँ तो इसमें थोड़ी सी और प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ। मैं चाहूँ कि जैसे ही यूजर ये एरो ये कर्सर लेकर जाए तो कलर चेंज होने के साथ साथ इसका साइज भी इंक्रीज हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, मैं होवर की प्रॉपर्टी के अंदर ही ना फॉन्ट साइज भी लिख दूंगा, फॉन्ट साइज, और इसमें कर देता हूँ लार्जर। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में जाता हूँ। अब देखें जैसे ही मैं होवर करूंगा ना तो इसके बैकग्राउंड के साथ साथ इसका साइज भी इंक्रीज होगा। देखें जैसे मैंने होवर किया इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हम होवर की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे होते हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाता है एक्टिव, और एक्टिव में मैं कुछ और कलर दूंगा इसे। मैं जाता हूँ इसकी डेकोरेशन में और मैं कहता हूँ कि एक्टिव के अंदर ना ये टोमेटो हो, तो मैं इसे बैकग्राउंड कलर देता हूँ। इस बार मैं इसे बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लू। उसके बाद मैं सेव करता हूँ इसे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक्टिव स्टेट कौन सी होती है, जब यूजर आके उसके ऊपर क्लिक करता है। तो मैंने होवर किया, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा। देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया, आपने क्या करना है, माउस पे क्लिक करके ना थोड़ी देर उंगली को हटाना नहीं है। तो जैसे ही मैंने उंगली को रखा हुआ है, अब यहाँ पर देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है एक्टिव स्टेट में वो ब्लू हो चुका है। तो इस तरह से हमारे पास चार स्टेट्स होती हैं हमारे लिंक की, जिनको हम डेकोरेट कर सकते हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता जाऊं। अब यहाँ पर देखिए मैंने ना एक सीक्वेंस रखा, मैंने सबसे पहले एक लिंक को यूज किया, फिर मैंने विजिटेड यूज किया, फिर मैंने होवर यूज किया, और फिर मैंने एक्टिव यूज किया। मैंने एक तरतीब रखी, एक सीक्वेंस रखा, और ये सीक्वेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जो होवर होता है ना, हमारा होवर हमेशा लिंक और विजिटेड के बाद में आता है। अगर आपने इसे पहले रख दिया तो आपने जो कोडिंग की होगी, जो स्टाइल दिया होगा, वो ब्राउजर पे डगमगा जाएगा और उस तरह से नजर नहीं आ रहा होगा जिस तरह से आप सोच रहे होंगे या इमेजिन कर रहे होंगे। और हमारे पास जो एक्टिव है वो हमेशा होवर के बाद आता है। तो ये सीक्वेंस होता है हमारा, सबसे पहले लिंक, फिर विजिटेड, फिर होवर, और फिर आखिर में हमारे पास आता है एक्टिव। तो इस तरह से हम ये चार प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ओवरफ्लो के बारे में। अब बाज़ुकत क्या होता है, हमारे पास ना कुछ डाटा होता है और उस डाटा को हमने अपने वेब पेज के किसी न किसी पोजीशन में रखा होता है। बाज़ुकत हमारी वो पोजीशन साइज छोटा होता है पोजीशन का, और हमारा जो डाटा होता है कंटेंट उसका साइज बड़ा होता है। तो क्या हो रहा होता है, हमारे मान लो एक बॉक्स है, उस बॉक्स में मैंने कुछ कंटेंट रखा, तो अगर तो मेरा कंटेंट और बॉक्स सेम साइज के हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर मेरा बॉक्स छोटा है और जो डाटा है वो ज्यादा है तो उस बॉक्स से बाहर निकल रहा होता है, इसे हम कहते हैं ओवरफ्लो। अब इस ओवरफ्लो को हम कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एक डिव क्रिएट किया और इस डिव के अंदर ना मैं इस डिव को एक आईडी दे देता हूँ, आईडी, और आईडी मैं इसे दे देता हूँ बॉक्स। और इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ बना देता हूँ, और इस पैराग्राफ के अंदर ना मैं कोई टेक्स्ट दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने लॉरम दे दिया, मेरे पास एक टेक्स्ट आ चुका है, एक और साथ में एक हॉरिजेंटल बार भी आ चुका है। हम इसे हटाएंगे, सबसे पहले इस लाइन को करेंगे सिलेक्ट, उसके बाद जाएंगे अपनी सेटिंग्स में, कमांड पैलेट पे, और टॉगल वर्ड रैप। उससे क्या होगा, हमारा जो नीचे हॉरिजेंटल बार आ रहा था वो खत्म हो चुका है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, लेकिन सबसे पहले ना मैं इसे अपने जो हमारा डिव है मैं उसे थोड़ा सा स्टाइल देता हूँ। मैं यहाँ पर डिव को सिलेक्ट करता हूँ बाय आईडी, और जब भी हम आईडी से सिलेक्ट करते हैं तो हम हैश का यूज करते हैं। तो आईडी थी हमारे पास बॉक्स। उसके बाद मैं इसे थोड़ा स्टाइल देता हूँ, सबसे पहले मैं इसे एक विड्थ दे देता हूँ, और विड्थ मैं इसे देता हूँ 200 पिक्सल्स, और मैं इसे एक हाइट भी दे देता हूँ, हाइट मैं इसे देता हूँ 150 पिक्सल्स। ये सारी चीज़ों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसे हैं जो कि पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो हमारी जितनी भी बाकी वीडियोज़ हैं आप उन्हें देख लें, गो थ्रू कर लें, ताकि इन चीज़ों को आपको पता हो। उसके बाद मैं इसे कुछ कलर दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में मैं इसे दे देता हूँ दिस। मैं इसे सेव करके ना ब्राउजर में जाता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर देखें जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरा ये जो बॉक्स का साइज है, मैंने इसे बैकग्राउंड कलर दिया ताकि आपको चीज़ें साफ नजर में आए। यहाँ पर मेरे बॉक्स का जो साइज है वो छोटा है, लेकिन मेरे जो कंटेंट है वो मेरे बॉक्स से बाहर है, तो इसे हम कहते हैं ओवरफ्लो। हमारी जगह थोड़ी है, कंटेंट ज्यादा है, कंटेंट हमारी जगह से बाहर जा रहा है, तो ओवरफ्लो हो रहा है। इसे कैसे हैंडल करते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अब ओवरफ्लो के अंदर हमारे पास चार किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं विजिबल। विजिबल जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट होते हैं, मतलब यहाँ पर देखिए जिस तरह से आपको इस वक्त नजर आ रहा है ना, ये विजिबल में भी इसी तरह होगा, मतलब वो बाय डिफॉल्ट होते हैं। यहाँ पर मैं विजिबल करके दिखाता हूँ आपको। मैं ओवरफ्लो सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं उसे कर देता हूँ विजिबल। इसे सेव करते हैं।
मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कोई चेंज नहीं आया, वैसे का वैसा है। मेरा जो कंटेंट है वो अभी भी मेरे बॉक्स के बाहर है, तो विजिबल जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। अब अगर इसकी जगह मैं यूज करूँ हिडन, तो हिडन में क्या होगा, मेरा जो कंटेंट है वो छुप जाएगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। देखिए मैं इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश किया तो मेरे जो कंटेंट है जितना बॉक्स में आ सका वो तो आ रहा है, बाकी जितना भी कंटेंट था वो हिडन हो चुका है। मतलब ना वो यूजर को दिखाई देगा ना यूजर को पता होगा कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो है वो ठीक प्रैक्टिस नहीं होती। इससे क्या होता है, हमने कंटेंट तो लिख दिया, जितनी जगह में कंटेंट आ रहा है वो आ रहा है, बाकी कंटेंट हमारा ज़ाया हो रहा है जो कि यूजर को दिखाई नहीं दे रहा। तो हम हिडन बहुत कम यूज करते हैं। अब हम इसकी जगह ना एक और यूज करते हैं स्क्रोल। अब अगर मैं स्क्रोल यूज करता हूँ तो यहाँ पर देखें मैं इसे जाता हूँ ब्राउजर में, इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पर देखें मेरे पास ना एक स्क्रोल बार आ रहा है। अब मेरे पास मेरा जो कंटेंट था वो गायब नहीं हुआ, मतलब ओवरफ्लो भी खत्म हो गया, कंटेंट मेरा जाया भी नहीं हुआ। मैं उसे स्क्रोल करके देख सकता हूँ सारे के सारे कंटेंट को। तो स्क्रोल जो होता है वो बहुत कारामद होता है। अब स्क्रोल की जगह ना हमारे पास एक और होता है ऑटो, वो भी स्क्रोल की तरह ही काम करता है। मैं अगर ऑटो यूज करूँ, सेव करते हैं इसे, इसे करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पर देखें बिल्कुल वही काम हो रहा है जैसे कि हमारे स्क्रोल में था, ऑटो में भी वही काम हो रहा है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं। अब इसी से रिलेटेड ना हमारे पास एक और टॉपिक है जो कि हमारा रीसाइज का है। अब यहाँ पर देखें मेरे पास ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है ना, लेकिन इस बॉक्स में कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं बॉक्स का साइज छोटा कर लूँ। मतलब बाजूकत क्या होता है, हम अपने यूजर को ये एबिलिटी देते हैं, ये उसे चॉइस देते हैं कि वो बॉक्स का साइज छोटा कर सके, खुद से उसे रिसाइज कर सके। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मुझे कोई बॉक्स नजर नहीं आ रहा, मैं इसे रिसाइज करके देखता हूँ। तो हम रिसाइज की प्रॉपर्टी को यूज कर जी। तो रिसाइज के लिए सबसे पहले हम एक नया डिव क्रिएट करेंगे ताकि हमें चीजें साफ नजर आए। इसके लिए मैं सबसे पहले इसे एक आईडी दूंगा विच इज बॉक्स, और इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ इसके अंदर दिस इज रिसाइज एबल। मैं इसे सेव करता हूँ और जाता हूँ अपनी CSS में। मैं स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा CSS के लिए, और इसके अंदर मैं सेलेक्ट करूँगा अपने बॉक्स को बाय ID, और इसके अंदर मैं इसे कुछ डिज़ाइन दूंगा। सबसे पहले मैं इसे एक बॉर्डर देता हूँ ताकि इसके इर्द गिर्द बॉर्डर आएगा तो हमें पता चलेगा कि ये एक बॉक्स है। तो मैं इसे बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल का, और साथ में मैं चाहता हूँ वो होना चाहिए सॉलिड, और उसका कलर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ब्लैक। अब बॉर्डर के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं पहले भी। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास एक बॉक्स आ चुका है, लेकिन इसमें कहीं भी हमारे पास रीसाइज का ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए हमें यूज़ करनी होगी रीसाइज की प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ पर रीसाइज की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, और साथ में हमारे पास जो रीसाइज की प्रॉपर्टी होती है ना वो 4 तरह की होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल के बारे में। मैं वर्टिकल को सिलेक्ट करता हूँ। अब हमारे पास जो रीसाइज की प्रॉपर्टी है वो काम करती है हमारे पास ओवरफ्लो के साथ। मतलब ओवरफ्लो हम ऑटो करते हैं तब ये काम करती है, अकेला अगर आप रीसाइज को यूज़ करोगे तो ये काम नहीं करेगी। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। देखिए मैं इसे सेव करता हूँ, मैंने फिलहाल रीसाइज की प्रॉपर्टी लिखी है। मैं इसे सेव करता हूँ तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा रीसाइज का। अब मैं यूज़ करता हूँ साथ में ओवरफ्लो। मैं ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो हमने कर देना ऑटो। मैं इसे सेव करता हूँ। अब मैं अपने जाता हूँ ब्राउज़र में, तो अब मेरे पास यहाँ पर देखिए कॉर्नर में रीसाइज का ऑप्शन आ रहा है। अब मैंने क्योंकि वर्टिकल लिखा था तो ये वर्टिकली रीसाइज होगा, देखें वर्टिकली, हॉरिजेंटली नहीं होगा। अगर मैं हॉरिजेंटल यूज़ करूँ, मैं अपने एडिटर में जाता हूँ और यहाँ पर ये तो ऑटो ही रहेगा हमारे पास। मैं यहाँ पर रिसाइज की प्रॉपर्टी को इस बार हॉरिजेंटल करता हूँ। अब देखते हैं क्या चेंज आता है। मैं इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ ना, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो चेंज हो चुका है। इस बार क्या हो रहा है, हमारा जो बॉक्स है वो हॉरिजेंटली रिसाइज हो रहा है, देखें, और हमारा जो कंटेंट है वो भी गायब नहीं हो रहा। हमारे पास एक स्क्रोल बार आ चुका है जिससे हम अपने पूरे के पूरे कंटेंट को देख सकते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक हमने यूज़ किया हॉरिजेंटल और एक हमने यूज़ किया वर्टिकल। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हॉरिजेंटल को हटा करना, मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है बोथ, मैं बोथ यूज़ कर दूंगा। मैं इसे सेव करता हूँ। अब देखिए जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास दोनों क्वालिटीज़ हैं। मतलब मैं चाहूँ तो इसकी जो वर्टिकल है उसको भी रिसाइज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो हॉरिजेंटली भी इसे रिसाइज कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम अपने यूज़र को ये एबिलिटी देते हैं तो कि वो बॉक्स को रिसाइज कर सके।
और इससे फायदा क्या हो रहा है, यहाँ पर देखें हमारा जो कंटेंट है वो डिलीट नहीं हो रहा, वो सारा हमें दिखाई दे रहा है, साथ में हमारे पास स्क्रोल बार्स आ रहे हैं जिससे यूजर जितना भी कंटेंट है उसके अंदर लिखा हो वो सारा देख सकता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, हमने बात की लिंक के बारे में, हमने बात की ओवरफ्लो के बारे में विच इज सो इम्पॉर्टेंट, और साथ में हमने बात की रिसाइज के बारे में। तो इनको खुद से कर कर देखिए, वैल्यूज को चेंज करें, कलर्स को चेंज करें और खुद से इन्हें करने की कोशिश करें ताकि आपकी एक्सप्लोर करने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो। और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।